ऐड करने पर क्या मैं समझ गया कि ये दोनों खत्म हो गए अपने? क्यों? यस सर, यस सर। जब जब ये दोनों खत्म हो गए तो बचा कौन आरएचएस में? टू साइन ए कॉस ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी, और इस तरफ कौन रहने वाला है बेटा? साइन ए प्लस प्लस साइन ए माइनस बी माइनस। बना अपना एक तरह से फॉर्म ये? यस सर, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका तो, है ना? हो गया? यस सर। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो ऐड करके तो ये बन गया अपना पहले वाला, सब्ट्रैक्ट करके दूसरा पार्ट बन जाएगा। यस सर। और ये दोनों भी अपन लोग उसी तरीके से बना सकते हैं। क्यों? कॉस वाले लगा लो। यस, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो आगे चल दूं क्या? यस सर, यस सर, यस सर। अभी अभी मेरे पास आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, ये था ना? यस सर। अब आप इसको इसको तो लिख दो सी। क्या लिख दो भाई? सी। और इसको कर दो आप डी। ठीक है? यस सर। तो देखो ऐसे नहीं हो गया कि सी इक्वल टू है ए प्लस बी, D इक्वल टू है A माइनस बी। क्या कहते हो? यस सर। जैसे ही अपन लोग इनको ऐड करने पर जाएंगे क्या ये कट गए? यस सर, यस सर। तो बेटा इधर C प्लस D इक्वल टू टू A एंड A इक्वल टू C प्लस D अपॉन टू। यस सर। इसी इसी फॉर्म को आप b के लिए माइनस में अप्लाई कर देना, c माइनस d अपॉन टू। अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस करने पर। यस सर, यस सर। अब हाँ, अब ये वैल्यूज मैं यहाँ ले आता हूँ तो देखो यहाँ क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन d आता है ना इसी तरह से बन करके, इक्वल टू टू साइन। अब देखो ए के प्लेस पे कौन आने वाला है, ये जो ए है उसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर दू ना इससे। यस सर। तो क्या लिखा जाएगा बेटा? सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। तो मुझे लगता है पहले वाला मेरे को समझ आ गया होगा बेटा। Yes, sir. अब जब ये पहले वाला बन गया तो इसी को पकड़ करके यानी कि इसी रूल को फॉलो करते हुए दूसरे तीसरे चौथे अपने चारों बन जाएंगे। यस सर, यस सर। समझ आ रहा है मुझे? यस सर। हो गया, आगे चले क्या? स्क्रीनशॉट बना लो चाहो तो बेटा। यस सर। आगे बढ़ जाए? यस सर। ये फॉर्मूला एप्लीकेशन है सीधा सीधा, मतलब आप यहाँ पर लगा के बताओगे कि क्या बनने वाला है, फॉर्मूला लगा के बताओगे बेटा। इलेवेंथ वालों बच्चों कुछ आया बेटा? चल रहा है बेटा सही? देखो ऊपर लगेगा cos c माइनस cos d टाइप का, जो कि आप देख रहे हो लास्ट वाला ये, और इस पे फोकस भी सबसे ज्यादा रखना है। सडन, ठीक है, ये लास्ट वाले को फोकस भी सबसे ज्यादा करना है तो इसलिए ध्यान से करेंगे।
तो cos c minus cos d का लग जाएगा यहाँ पर, और नीचे लगेगा sin c plus sin d, ठीक है, ये दोनों लगाएंगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा फिर आगे, सही है बेटा? Yes sir. Yes sir. Next पे चले क्या? Yes sir. चलो उसी के जैसा कुछ कुछ थोड़ा सा रोटेट करके, थोड़ा सा बदल कर, थोड़ा सा बदला है बेटा, साइन सी माइनस साइन डी तो ऊपर अप्लाई करना है आपको, yes, और कॉस सी प्लस कॉस डी ये आपको नीचे लगा, डन हो गया, हो गया, वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन है भाई? नो सर। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से, बस यहाँ पे आपका ना वो कहते हैं ना आईक्यू चेक करना, मेंटल स्टेटस, आपके दिमागी कितना मजबूत दिमागी तौर पे आप वो चेक करने होता है, बस देखो जरा कितना याद रहता है आपको कंसेप्ट फॉर्मूले। आ रहा है समझ बेटा? यस यस बन गया। यस सर बन गया। गुड गुड। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। नो सर। आगे बढ़ जाएं? सर समझा दो एक बार। देखो ये मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये वाले एक तो यहाँ है अपना और एक ये है अपने, ये फॉर्मूले हमें वहां पहले अप्लाई करने हैं, जो ऊपर वाले दोनों हैं वो इसमें लगेंगे। देखो एक साइन सी प्लस साइन डी वाला है, यस सर, तो यहाँ तो सी प्लस डी वाला क्या होता है, टू साइन साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस cos, ठीक है ना बेटा? Yes, और नीचे टू कॉस, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन साइन डी माइनस डी बाई टू, ये दोनों मुझे लगाने हैं और सिंप्लीफाई कर देना है, अपने आप आ जाएगा मेरा, ठीक है? Yes, sir. देखो ट्राई करके बनता है क्या नहीं, तो बन गया। तो यस सर। ठीक है? यस सर। चलो दूसरा उसी का भाई है,
का भाई है ये, ध्यान से करेंगे अपना। समझ तो आ रहा है ना? यस सर। तो डन। ये अपने लगने? यस सर। यस सर। और सिंपलीफाई कर देना है बस, ठीक है? तो बेटा सही चल रहा है? यस सर। आगे चलूं? हो गया सभी बच्चों का? यस सर। चलो अब फिर से ध्यान से लगाएंगे। सही दिख रहा है? क्लियरिटी सही है बेटा? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, ज्वाइन किया अभी? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मेरा सर एक्चुअली आई हूं ना। ओके, कोई बात, जितना मिले समय पे जितना मिल जाए समेट लो। हाँ समेट लो उसको, फिर इसको समझा दो। अच्छा देखो, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ इसमें कौन से वाले लगने वाले हैं। आपके पास पीडीएफ आ ही चुकी है तो उसमें देख भी सकते हो। ऊपर मेरे को लग रहा है कि भाई ये तो साइन सी प्लस साइन डी है, yes, है ना? और नीचे वाला पार्ट आपका कॉस सी प्लस कॉस डी है, क्यों? yes, बस इन दोनों फॉर्मूलों को जैसे ही आप अप्लाई करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप बच जाएगा। जैसे ही इन दोनों में एप्लीकेशन जाएगा ऊपर, ये दोनों का इसका और इसका अपना बन जाएगा, वो हमारा को कंसेप्ट बन के आएगा, अपने आप ही आ जाएगा। लगाओ जरा करके देखो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही, आप ट्राई करो पर एक बार इन दोनों को फॉर्मूलों को ट्राई करो। बन रहा है बेटा? आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? yes, ऊपर वाले पार्ट में 2 cos, जब इन्हें ऐड करके लिखोगे तो 2a2 भी बन जाएंगे प्लस के। yes, वो साइन में आएगा ना, पर ये साइन आएगा बेटा 2 sin, तो साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 ऐसा बनेगा, क्यों? Yes. और इंटू में कॉस आएगा, और जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, तो क्या बनेगा अपना? 6a माइनस 6b माइनस 6b अपॉन 2 रहेगा ऐसे। yes, sir. इसी तरीके से नीचे भी अप्लाई करके लाओ जरा। नीचे क्या बनेगा?
2 cos 2a plus 2b upon 2 into cos है ना 6a minus 6b upon 2 क्या ये दोनों कैंसिल हो गए यस यस सर ये 2 भी अपने निकल गए यस सर तो बेटा ये 2 कॉमन हो करके ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे अंदर यस सर sin a plus b upon cos हमें भी सीखना ना तो आ जाएगा अब तो आ गया अपना यस सर अबे ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ठीक है चले आगे हो गया ना ये तो Yes, sir. ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है लगाएंगे जरा ध्यान से बेटा इसमें बेटा एक चीज कैच करने वाली क्या है एक पकड़ने वाली बात क्या है कि हम लोग कंसेप्ट पकड़ने जा रहे हैं कि जोड़ किसका बनाने वाले थ्री और वो सेवन में है ना इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओगे यस सर चलो आगे बढ़ लो वैसे जरूरी नहीं है यही बनाओ और भी कॉम्बिनेशन हो सकते थे यस सर हाँ चलो करो इसको ट्राई इन दोनों को लेकर के एक साथ और एप्लीकेशन कौन होने वाला है कॉस सी प्लस कॉस डी वाला समझ में आ रहा है ना ये अपन लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा यस सर Yes, sir. जी बच्चे का बना अपना अभी तक ये Yes, sir. आ गया yes, sir. सभी बच्चों का आ गया भाई नेक्स्ट पे चलते हैं फिर yes, sir. चलो करो करो अभी जिनका नहीं आया नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इसमें दो बार अप्लाई करेंगे दो पेयर मैंने yes. बनाए थे दोनों में अप्लाई होगा उसके बाद कॉमन चेक करेंगे कोई एक चीज जैसे कि मैं कह रहा हूँ cos 5a कॉमन होगा मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ था क्या यस सर cos 5a कॉमन हाँ तो कॉमन बनेगा 2 cos 5a और अंदर बचने वाला है आपका cos 2a plus cos 5a 10a ऐसे बचेगा यस सर और यही चीज अगेन वी विल अप्लाई हियर दोबारा हम इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दें Yes, समझ रहे हो ना बेटा यस सर हो गया तो इसका मतलब हो गया आगे चलो यस सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो कोई बच्चा अगर आगे करना चाहे चलो इसको लगाओ जरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके फॉर्मूले याद करने के लिए आप फॉर्मूले अगर भूले हुए हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको याद दिला देंगे बढ़िया चीज है ट्राई करो
बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, म्यूजिकल। यस सर। हाईवे, हाँ, ये रोड के पास घर है। सर यह हो सकता है कि पढ़ने वाला रोड पे हो। हाँ ये भी हो सकता है, मेरे घर में रोशनी नहीं है, नेटवर्क कम आ रहे। बाहर ऐसे ऐसे करते हैं कई बार, नेटवर्क नहीं आ रहे मोबाइल पे, ऐसे ऐसे। जी सर। चलो कोई नहीं, बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ, आप भविष्य हो देश का और आगे चल के अच्छे अच्छे कुछ ऐसे साधन या वो चीज जुटाओ बनाओ कि आप जैसे और हम जैसे गरीब या जो गांव देहात के या जो बहुत इंटीरियर में रहते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करो। यस सर। ऐसे ही होता है सभी, धीरे धीरे जिस चीज की जरूरत होती है ना उसका फिर उसका खोज कहो कि वो करने लग जाता है बंदा। यस सर। जरूरत होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए और एक लगन उसकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ तो अपना बना कुछ समझ में आया क्या करना है? देखो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन रास्ता था इसका कि आपने टू का प्रोडक्ट कर लो, टू की डिवाइड कर लो। इससे मेरे को भी यही लगा था। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो पहली साइट में ना, पहली बार देखते ही विद इन 10 सेकंड आपका दिमाग बता दे कि ये करना है तो आप उस पर फिर अपना वक्त गुजार हो जाते, अदरवाइज आप उसको उस समय छोड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई, ठीक है? Yes, sir. हाँ, yes. तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद मुझे ये फॉर्मूले यूज करने हैं, 2 sin A sin B, ठीक है भाई? Yes, sir. अब ये 2 sin A sin B कहाँ होंगे, देख रहे हो ये रहा? नोट कर लो, नोट कर लो, कॉपी अगर आपके पास है इस टाइम, कॉपी कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए। दो मिनट रुक जाओ। हो गया बेटा? यस सर। आगे आगे आ जाओ ना उस क्वेश्चन पे अपने पे। यस सर। आप लगाओ जरा, दोनों जगह सेम लगाना है, उसके बाद आपको कॉमन वगैरह चेक करना है, कुछ कॉमन वोमन बनता है या कुछ कटता है तो काट दो, कॉमन या कटेगा एक काम जरूर होगा, तो कॉमन तो बनेगा नहीं, कटेगा यहाँ पे। पागल, ये साउंड का थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे। बेटा साउंड का ध्यान रखेंगे। बन के आ रहा है भाई किसी का सही से? सर 12th वाला। हाँ ये वाला अपना। sin A plus B plus sin cos A minus B. ये होता है cos A minus B minus cos A plus B, याद है? नहीं सर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पार्ट कट जाएंगे, बचे हुए 2 में आप फिर से लगा दोगे, वो बचेगा, ऐसा बचेगा ना कोई एक। यस सर। मेरा तो 0।
आपका जीरो आ गया इस सर क्योंकि देखो सर cos minus 6 थीटा by 2 तो cos 6 थीटा ही हो जाएगा ना और उसमें नेक्स्ट वाले टर्म में भी वैसे ही बन रहा है तो आपका कैंसिल होने के बाद क्या बचा सर cos 2 थीटा सर cos थीटा बचा है और दूसरा बचा है cos 6 थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा है ना यस सर आप तो लगाओ इस पे तो कॉस ए माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी टाइप का लेकिन लेकिन कुछ गड़बड़ बचा है ये सर कॉस थ्री थीटा और फोर थीटा कॉस थ्री थीटा और सेवन थ्री थीटा बचेगा और फोर थीटा नहीं फोर नहीं पहले वाले पार्ट का सर और दूसरे वाले में सेवन बचेगा सेवन थीटा यस सर हाँ ये कुछ बचना चाहिए यस सर अगर ये बचता है तो बनेगा अब बन जाएगा यस सर है ना कैलकुलेशन अच्छे से करो बेटा अब अपने को लगाना है कंसेप्ट और वो डिवाइड में टू ध्यान रखना है टू डिवाइड वाला भी चलता है अपना या साथ साथ सर हो गया ना यस सर आगे बढ़ो क्वेश्चन ना आप निकाल लिख रहे थे ना यस सर इसमें भी ध्यान से करना ब्रैकेट का बड़ा रोल है इसके अंदर वाली पांच बहुत ही आसान भी है लेकिन फिर भी ध्यान से करेंगे इनको ठीक है ना बेटा जब आप फॉर्मूले लगाओगे तो आएंगी सभी चीजें सेम प्लस माइनस का चेक करना भी ये यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी और ये वाला यूज होगा cos c minus cos b ठीक है yes, हाँ ध्यान से लगाना इसको पहले एप्लीकेशन करना उसके बाद प्लस माइनस जरूर देखना उसी में गलती होती है बच्चों से Plus minus two four eight सर हो गया गुड तो एक ही जैसी चीज आई लेकिन बस माइनस का गलत रहा था बीच में उसी की वजह से वो कट गए ऐसे हुआ ना यस सर हाँ दोनों चीजें सेम बस माइनस की गलती थी और उसी माइनस से दोनों कट गए क्लियर यस सर यस सर आगे चल दूं यस सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अगर इलेवेंथ वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो उनकी बुक में भी एनसीईआरटी अगर है आप पर तो है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस ना ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कि भाई इक्वल टू ऑप्शन में छोड़ दो आप क्या कहते हो इस चीज को लिख करके और ऑप्शंस में आंसर छोड़ दो जो बन रहा है जैसे जो आरएचएस वाला चीज है बन गया ऑब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड के ऐसे हो रहे हैं एग्जाम ना फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज वाले हाँ तो मेरा सिक्स्थ एग्जाम दिसंबर अच्छा 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 कोई नहीं अपने जुट के रहो मेहनत करके डट के रहो है ना
सर फर्स्ट टर्म की तो प्रिपरेशन हो गई, सेकंड टर्म भी हमारा खत्म होने वाला है। अच्छा स्कूल में करा दिया आप लोगों को? यस सर। तो ये तो बेनिफिट है ना, आपका फायदा है इसमें, आगे समय कम रहेगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर तो रहोगे ना फिर से। यस सर। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर अभी टर्म वन का ही पढ़ा करके छोड़ा हुआ है, टर्म टू का कराया नहीं है, समझ रहे हो? तो आपको तो फायदा मिलने वाला है इस चीज का, और हम भी जब पढ़ेंगे आगे की चीजें तो आपको पढ़ा हुआ होगा तो आराम से समझ भी अभी आएगा। सही है, बढ़िया है, करते रहो अपना। चलो इसको लगाओ, दो रास्ते हैं इसके, अब आप देखो कौन सा बेहतर है। और a plus b plus cos a minus b, इसमें एक बार ये ऐसा लगेगा तो इसकी वैल्यू जरा ध्यान से लगा लेना। एक तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई इसमें cos c plus cos d लगा दूं अपना, क्या कहते हो? जो लास्ट के दोनों है ना बेटा, जो लास्ट के दोनों है इसमें cos c plus cos d लगा दो और अपना देख लो कॉमन वगैरह कुछ, ठीक रहेगा ना? उसके बाद जब ये अप्लाई हो जाए तो फिर अपना इन दोनों के साथ कॉमन चेक कर लेना। उसके बाद क्या करना है, कॉमन चेक कर लेना। अंदर क्या बचा जरा बोले, cos 9 pi by 13 plus cos 4 pi by 13, yes sir, यही बचा है ना? देखो मैंने भी कैलकुलेशन अच्छे से कर ली थी। चलो अब क्या मुझे फिर से, ये आपको दिख भी रहा होगा, मुझे भी नजर आ रहा है, फिर से वही आ गया। तो बेटा यस सर, लगाओ और इसमें ये चीज बना के देख लो, बस बनते ही जीरो। किस किस का आ गया भाई? यस सर। यस सर आ गया ना? यस सर। गुड, यस सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? यस सर। यस सर। जरा ये स्क्रीनशॉट लो फॉर्मूले, वैसे तो आपके पास पीडीएफ भी है, फिर भी लेना चाहो तो ले लो, अच्छा रहता है अपने पास, सिक्योर है चीज। हो गया? यस सर। यस। अभी मैं एक फॉर्मूला पढ़ के आया था साइन ए प्लस बी को लेकर, क्या था वो? साइन ए कॉस बी साइन बी। भाई मैं तो ये पढ़ के आया था है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये 2a बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हो ये वाला पार्ट? Yes, तो उसके लिए आपको क्या करना है, b के प्लेस पे क्या रख देना है बेटा? a। तो जैसे ही a आएगा तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, साइन ए प्लस ए टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, क्या कहते हो? Yes, sir. तो उसके बाद तो मेरा बन ही जाएगा ये, बन गए ये। अब आ जाते हैं cos 2a पर, cos a plus b क्या पढ़ा था हम लोगों ने? cos a cos b minus 9 a sin b। अब यहाँ भी अपन लोग वही करने वाले हैं भाई, b को क्या रखने वाले हो आप?
B को A कर दोगे है ना? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? Yes, sir. Cos से cos B minus sin A sin B. फिर से सोचो भाई. Cos A cos A minus sin A sin. तो cos square A minus cos square A minus sin square A बना अपना. Yes, sir. तो ये तो अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया भाई ये वाला. Yes, sir. अब अगर मैं ऐसे कुछ रिप्लेस कर लूं तो क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं. यहाँ पे रख दो. अब समझ गए ना? Yes, sir. अब जैसे ही ये चीज आप यहाँ पर लेके जाओगे कोस वाली यहाँ, तो ये बन जाएगा सेकंड. Yes, sir. सही चल रहा है? Yes, sir. अब लास्ट वाले केस में उल्टा सोच लो भाई. अगर मैं cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a रख देता. क्यों? यस सर. अब जब ये जाएगा तो अपना थर्ड वाला पार्ट भी बन के आ जाएगा. ठीक है. तो मुझे लगता है समझ आ गए होंगे. अब इसमें जो इस्तेमाल होने वाले हैं, जो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि परेशान कर सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला. इनकी जरूरत हमें कई जगह पड़ती है और अक्सर हम भूल जाते हैं. तो मैं चाहूंगा आप इन दोनों को स्पेशली ध्यान रखें. ठीक है बेटा? यस. मतलब बाकी तो याद आ जाते हैं, कई बार ये फंस जाते हैं, समझ नहीं आते. ठीक, लगाऊं आगे? क्वेश्चन समझ में आया? यस. चलो इसको जरा लगा के देखो. ध्यान से लगाएंगे. No, चलो बताता हूँ. अपने पास cos तो थीटा है. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. जिनके बारे में अभी जिक्र मैंने किया था, वही दोनों चीजें इस्तेमाल करने के लिए आ गई, तुरंत आ गई. upon 1 plus tan square theta. तो यहाँ मेरे को तो tan की वैल्यू ऑलरेडी पता है बेटा. yes, तो ये वैल्यूज यहाँ रखूंगा मैं और सॉल्व करके बताऊंगा. बताओ जल्दी से क्या आया, सॉल्व करो, रखो वैल्यू. एलसीएम वगैरह ध्यान से सब अपना. मुझे सॉल्व करके बताना है पर बेटा कि ये ए आएगा, ध्यान रखेंगे ना? ओके गुड. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. हो गया सॉल्व.
हो गया? यस सर। सभी बच्चों का हो गया बेटा, आगे चलूं? यस सर। कुछ ही बच्चे रिप्लाई करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा इतना। सभी बच्चे रिप्लाई क्या करो, तभी तो लगेगा ना अवेयर है सब, है प्रेजेंस, उपस्थिति दर्ज कराना, ठीक है? करो, इसको लगाओ जरा, ध्यान से लगाएंगे अपन। यहाँ मैं एक बात लिख लेता हूँ, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला होगा, जब ये फॉर्म होती है तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरत पड़ती है बेटा। वन माइनस जब कॉस थीटा या टू थीटा होता है तो साइन में जाता है, और अगर वन प्लस कॉस टू थीटा है तो ये कॉस में जाएगा, ठीक है? ये याद कर लेना, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल है, बहुत जगह पड़े, ठीक है? यस सर। और साइन थीटा तो अपन लोगों को पता है ही, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, है ना? इस तरीके से इस्तेमाल कर ले। चलो खैर, ये हो गया अपना। यस सर। यस सर। यस सर। अब दोनों चीजें जो अभी बताई हैं, उन दोनों का ही इस्तेमाल यहाँ करना है, तो ध्यान से लगाएंगे हम। हो गया सर। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो हो गया। ये लो। सर एक ही लाइन का रिएक्शन था। हाँ, वो तो वैल्यू रखना और आंसर बन गया, है ना? यस सर। सर इसमें थोड़ी हिंट दे दो। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसमें साइन कोस से ब्रेक करके कर सकते हैं। किससे? साइन कोस। आपने टेन को तो लिख देना है ये, और कॉट को पता ही है मेरे को, कोस साइन। तो एक रास्ता तो ये है भाई, ऐसे तोड़ूंगा, एलसीएम लूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्लियर? Yes, yes. दूसरा रास्ता है कि ये जो अपना कॉट ए है, इसे वन अपॉन टेन ए बना लेते हैं भाई अपन। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद इसके साथ इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना? फिर टू का प्रोडक्ट कर लेंगे ऊपर नीचे। Yes, sir. तो ये टू का प्रोडक्ट करने के बाद अपना बन जाएगा टेन वाला, डिवाइड में टेन वाला, डिवाइड में उल्टा बनेगा ना, रेसिप्रोकल फॉर्म। Yes, sir. तो रेसिप्रोकल फॉर्म को जब उल्टा करोगे तो वो कॉट बनता है, रेसिप्रोकल उल्टा कॉट होता है ना टेन के लिए। Yes, sir. बस अपना टेन टू ए बन जाएगा, कॉट टू ए हो जाएगा ऊपर जाके फिर। Yes, sir. सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ू क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी आपका, अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है इलेवेंथ वालों, तो है उसमें एक ऐसा एग्जाम्पल है ये। अरे ये 11th का बैच चल रहा है क्या अभी? 11th और 12th का तो सेम ही चला रहे हैं ना अभी तो। अब आगे आगे फिर 12th के टॉपिक अलग होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। ओके सर। 12th वाले बच्चे 11th के ग्रुप पे भी चलेंगे, और 12th का अलग भी स्टार्ट होगा, टॉपिक अलग से हो जाएंगे, और 11th के टॉपिक 11th के साथ कवर करेंगे अब हम लोग। समय समय कम है ना बेटा आप लोगों के पास, ठीक है? इस टॉपिक को तो इनके साथ ही कर रहे हैं, फिर अगला टॉपिक आप लोगों का शुरू कर दूंगा मैं लिमिट से और फंक्शन से। ओके सर। डन सर।
तो इसमें जो कंसेप्ट था वो था tan 3a को ब्रेक करना, tan 2a plus a. यस यस सर, हो गया, हो गया ना? यस सर. क्या करना है, क्या करना है बेटा? tan 45 plus tan tan a plus tan b. ऐसे कर सकते हो, क्या कहते हो? यस सर. tan a plus b और a minus b के फॉर्मूले और tan pi by 4 की वैल्यू 1, उसके बाद रखने के बाद एलसीएम बना लोगे अपना? यस सर. यस सर. एलसीएम बनाने के बाद अपना काम बन जाएगा. यस सर. तो स्टेप्स जो हैं वो हमें याद रखने चाहिए, समझ रहे हैं ना बच्चों? Yes, sir. बढ़ू आगे बेटा, बोलो. यस सर. यस, चल दू आगे? yes, चलू. चलो देखते हैं ये कौन कौन अच्छे से करके बताता है. तो इसका कुछ समझ आया क्या बेटा, क्या करना चाहिए अपन लोगों को, हम क्या करें इसमें? cos 2a. मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऊपर नीचे 2 से प्रोडक्ट ले लेता हूँ. तो क्या इतना समझ आया, ऊपर और नीचे मैंने 2 का प्रोडक्ट लिया है? यस सर. ये 2 ऐसे आ जाएगा अपना, आ गया इस तरह का भाई. yes. अब इस 2 के बाद ऊपर वाला देखो, हमने ऐसी बात की थी कि 1 cos 2a = 2 sin 2a, ऐसा यूज किया था ना, ऐसे ही cos के लिए भी कर रहे थे ना. तो ऊपर ऊपर बना 1 minus cos 2a, माइनस लगा के माइनस cos 2b, ऐसा हो गया. यस सर. ओके, हाँ बेटा. यस सर. तो हो जाएगा आगे? यस सर. यस सर. और नीचे 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 ये क्या बना? और माइनस साइन टू बी. साइन टू बी. यस सर. यस सर. ऊपर ब्रैकेट ओपन के कट जाएंगे 1. यस सर. कैंसिल होने के बाद ऊपर बनने वाला है cos 2b minus cos 2a upon sin 2a minus sin 2b. बनेंगे ऐसे? यस सर. तो क्या आगे हो गया अपना काम पूरा? यस सर. हो जाएगा बच्चों? यस सर. तो आगे बढ़ जाऊं मतलब कहने का ये हुआ अब, है ना? यस सर. वन माइनस कॉस के प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपना साइन थीटा जो है
2 sin theta by 2 sin cos theta by 2 cos theta by 2 ये मेरे को लगाना है। Yes sir. सभी बच्चों को दिख रहा है बेटा? Yes sir. हाँ तो ये अपने तीनों फॉर्मूले हम लगाएंगे। लगाने के बाद देखो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 sin square theta by 2 plus 2 sin theta by 2 cos theta by 2. क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ बेटा? Yes sir. अब नीचे देखो, नीचे भी उसी तरीके से अपने फॉर्मूले एप्लीकेशन पे जा रहा हूं मैं। Yes. इस तरह से अब मुझे कॉमन चेक करना है, ये देखना है कि ऊपर और नीचे जो मेरे दोनों पार्ट हैं इनमें नीचे से और ऊपर से कॉमन क्या है ना। ऊपर से कॉमन बना 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और बचेगा कौन, ऐसे ही नीचे देखोगे 2 cos theta by 2 यहां बचेगा cos theta by 2 प्लस sin theta। समझ में आ रहा है मुझे? यस सर। ठीक है यस। तो ब्रैकेट वाले तो दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, आगे से ये 2 भी हट जाएंगे मेरे। कौन आ गया? आ जाएगा अपना tan theta by 2 बेटा। यस सर। नो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल में अच्छा है ये। यस सर। ठीक है। यस सर। तो आप अगर अपना इस चैप्टर का पीडीएफ चेक करेंगे तो अब इसके बाद टॉपिक आता है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाला, आता है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। याद होगा पहले हमने पढ़ा है ना उसको लेकर के? यस सर। जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा है क्या? हाँ, a sin थीटा प्लस b cos थीटा पढ़ा है ना हम लोगों ने, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो उस वाले को अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कहा था पाइथागोरस की तरह याद करना इसको, है ना? यस सर। तो जब मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पे तो वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू पे? पॉजिटिव। और जब मिनिमम पूछेगा तो वो नेगेटिव। उसका वैसे क्राइटेरिया जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म कितनों को याद है? mx plus c। स्ट्रेट लाइन में तीन फॉर्म होती थी ना, y equal to mx plus c थी एक तो अपनी। यस सर। है ना, प्रवणता रेखा जो थी वो प्रवणता निकालने वाली y equal to mx plus c, जो y एक्सिस पे सी सी जो वो काटता है इंटरसेप्ट पर्ती छेदन, क्या बोलते हैं बोलते हैं ना? यस सर। और एक था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, है ना? और तीसरा हुआ करता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, याद है कुछ? तो उस पार्ट में ना जो नॉर्मल फॉर्म वाला जो पार्ट है उसमें हम निकाला करते थे जब अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला या एंगल बनाते थे कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो वहां इस्तेमाल होता था अंडर रूट ए स्क्वायर की स्क्वायर पाइथागोरस। तो वहीं से कुछ लिंक भी कह सकते हो आप। तो 12th वालों आप अपना तैयार हो जाएं, लिमिट और फंक्शन से स्टार्ट करूंगा मैं, फंक्शन से थोड़ा सा टच लेकर के तब लिमिट पे जंप करूंगा, है ना? यस सर। यस सर। और 11th वालों एज यूजुअल आपका भी ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्वाड्रेंट, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो बाय बेटा।